भौरिया जा, एक और इज्जत के साथ पहुंचा क्या। शिकायत रहती है कि हमने इस घर की बहू और इस घर की बेटी में फर्क किया, लेकिन अब हम उनकी शिकायत दूर कर देंगे, कोई फर्क नहीं रखेंगे। तूने हमारी अनु को इस घर से निकाला है ना, अब हम तुझे इस घर से निकालेंगे। चल जा यहां से। आवाज नीची। अगर मिश्री पर कोई भी उंगली उठाएगा तो अर्जुन आवाज नीची नहीं रख पाएगा। तू बीच में मत अर्जुन। इसके और मुश्किलों के बीच आना मेरा हक है, मेरा फर्ज है, मेरा शौक है, और तीनों में से मैं कोई भी छोड़ नहीं सकता। हमें तुझे अपना पोता कहने में शर्म आती। I promise you that, मिश्री को मुझे अपना पति कहने में हमेशा गर्व होता होगा। काश आप देख पाते कि मेरा मिश्री को सपोर्ट करना आपकी हार नहीं है, बल्कि आपकी परवरिश की जीत है। हार और जीत का फैसला तब होता है जब लड़ाई खत्म हो जाती है अर्जुन, लेकिन ये लड़ाई अब खत्म होगी। जिसकी जड़ ये लड़की है, घर की दीवार आज घर वालों के दिल में भी खड़ी हो गई। अब तो खुश है ना तू? दीवारें दिलों में नहीं, पक्का निश्चय है कि मिश्री के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे हम लोग। और अनु के साथ जो हुआ वो इंसाफ था जीजी? माँ, अनु ने जो कुछ भी मिश्री के साथ किया वो गलत किया, ये आप भी जानते हैं। तो अब आप बहस करके और क्या कर रही हैं कल्पना? अम्मा, हम कह रहे हैं सबसे पहले ना ही मिस्त्री को घर से
बाहर निकालो। चुप, इज्जत से बात कर। बहुरिया है हमारी वो, और अनु हमारी नातिन है। जी जी, मिश्री मेरी जिंदगी है और वो कहीं नहीं जाएगी। इसे यहाँ से जाना होगा। अर्जुन, तुझे अपनी पत्नी के सिवा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है क्या? और तू भी तो अपनी नातिन के लिए आंखें बंद किए बैठी है। न पोता नजर आ रहा है, न बड़ी बहन नजर आ रही है। देख, एक बार कहेंगे ध्यान से सुन ले, मिश्री ये घर से कहीं नहीं जाएगी, बस। और अगर ये यहाँ रही ना जीजी, तो आपका और हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। अब आपको चुनना है कि आपको बहन प्यारी है या ये लड़की। अब ये लड़ाई तेरी और मिश्री की नहीं, सही और गलत की है। तू बढ़िया जानती है कि हम हमेशा की तरह सही को ही चुनेंगे। मैं भी और मैं भी। हमारे पोते को छीन कर तेरा मन नहीं भरा जो तूने हमसे हमारी बहन तक छीन ली? तू इतनी शातिर निकलेगी हमने कभी सोचा नहीं था। अरे बदकिस्मती का ऐसा दाग है तू, जिससे दो बहनों का रिश्ता भी अछूता नहीं रहा। सबकी मती मारी गई है का? मां के आंख के आंसू तो नहीं देख पा रहे हो? आवाज में दर्द भी नहीं महसूस कर पा रहे हैं क्या? इस लड़की की वजह से मां के दिल में इतनी तकलीफ। रहने दे प्रताप, जब अपनों ने ही हमारे दर्द को नहीं समझा तो हम गैरों को दोष क्या दें? शाबाश बेटा, शाबाश। तू ठीक है नानू? हे भगवान, हमें माफ कर देना हमारी भतीजी। तुझे इस तरह घर के अंदर जाना पड़ा हमें। उस मिश्री ने तो वाकई सबको साथ में मिला लिया। यही तो मैं आपको बताना चाहती थी नानी, इसलिए मैं चाहती थी कि ये सब अब अपनी आंखों से देखे। अगर हम इस तरह तुझे घर के अंदर नहीं लाते तो वो लोग तुझे घर के अंदर आने ही नहीं देते। उस मिश्री ने सब पे जादू सा कर दिया है, लेकिन अब जादू का खेल खत्म और सजा का वक्त शुरू। कम ऑन बुढ़िया, आग लगा दे सबकी लाइफ में। मैं तेल लेके साइड में रेडी रहूंगी। अब मिश्री के साथ साथ पूरी फैमिली फंसेगी। अर्जुन काड़ा, अर्जुन, 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 मम्मी, आप तो जानती है ना मम्मी, प्रिया
हदें सारी हदें पार करती थी, इसीलिए हमने उसे घर से निकाला। हम तो सही कर रहे थे, फिर दादी माँ और बड़ी दादी के बीच सब कुछ गड़बड़ कैसे हो गया? फैमिली टेंशन में और दादी माँ दुखी, वजह हमारी वजह से हुआ, हमारी वजह से हुआ सब कुछ। प्लीज देखना मम्मी कि आज नहीं तो कल उन्हें भी समझ आ जाए कि प्रिया के जाने में इस घर की भलाई थी। अब वो जैसे भी हो, हम तो साथ में बड़े हुए हैं ना। फोन करके पूछ लेते हैं कि घर पहुंची या नहीं। मुझे क्यों फोन कर रही है? अब तुम तो उसने फोन की आवाज भी सुन ली होगी। मैं पकड़ी गई तो प्रिया का फोन घर में कैसे? क्या करूं? हम तुझे इस घर से तो नहीं निकाल सके, लेकिन अपने कमरे से जरूर निकालेंगे। निकल जाए यहां से। दादी आप दादी की तरफ से I'm really sorry। अनु घर से गई है, उन्हें बुरा तो लगेगा ही ना। अपनों का गुस्सा मिश्री माइंड नहीं करती, पर हमारा गुस्सा बहुत माइंड करोगे। अरे मैंने क्या किया? क्या किया? बुखार में पूरे घर में आप लट्टू बन के घूम रहे हो और पूछ रहे हो क्या किया? मैं तो बस हमने कहा था ना आपको कि हम काढ़ा लेकर आ रहे हैं, आप बेड से बिल्कुल भी मत हिलना, फिर आप बाहर क्यों आए? हमें आपको अकेला छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। समझ जाओ, कभी नहीं जाएंगे। चलो अरे मिश्री सुनो, अरे मिश्री देखो मैं ये काढ़ा वाड़ा नहीं पीने वाला। जब तक आप इसे पीते नहीं हो हम यहाँ से हिलने नहीं वाले। लो। गुड, यही तो मैं चाहता हूँ। क्या? I mean, तुम सब लोग मेरा ख्याल रखो, मुझे स्पेशल फील कराओ, यही तो मैं चाहता हूँ। ज्यादा स्पेशल फील करने की जरूरत नहीं है, अगर कोई बीमार हो हम उसका ऐसे ध्यान रखते हैं। ये लो। हाँ, मैं बाकी सबसे डिफरेंट थोड़ी ना, जैसा तुम सबका ख्याल रखती हो वैसा मेरा रखती हो, राइट? बड़बड़ा रहे हो अर्जुन,
कभी सोने से पहले कपड़े बदले ना बदले, मोड़ तो दिन में 4 बार बदल लेते। हमने ऐसा भी क्या गलत बोल दिया? चलो आज प्रिया के जाने से कुछ तो सही हुआ। आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। चीनी कम। बबलू जी की नींद में बतियाने की आदत पता नहीं कब जाएगी, नींद खराब कर दे। चुप रहो, प्यास लगी हमको। कहाँ मिल गया ये आदमी? अर्जुन भैया अश्विन आई? ओके नहीं, ऊपर आइए।
जानू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में वापस आने की? अपने घर आने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं होती है अर्जुन, पर आप लोग शायद ये भूल रहे हैं, ये घर अनु का ही है। ए, तू कहाँ की गुंडी है रे? ये सजा है जीजी, जो हर गुनाहगार को मिलती है। माँ, बड़ी दादी, किसी ने हमारे दरवाजे में सलाखे लगा दिए। अरे हमारे भी, तुम लोग ठीक हो ना? भैया, अम्मा, ये हो क्या रहा है बेटा? ये हे माता रानी, ये दरवाजे पे सलाखे कौन लगा दिया? हमने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में वापस आने की? अपने घर आने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं होती है अर्जुन, पर आप लोग शायद ये भूल रहे हैं कि ये घर अनु का ही है। ए, तू कहाँ की गुंडी है रे? ये सजा है जीजी, जो हर गुनाहगार को मिलती है। जब गुस्सा ठंडा हो जाए और आप सब अपनी गलती मान लें, हम आकर ताला खोल देंगे। अनु, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में वापस आने की? अपने घर आने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं होती है अर्जुन, पर आप लोग शायद ये भूल रहे हैं कि ये घर अनु का ही है। ए, तू कहाँ की गुंडी है रे? ये सजा है जीजी, जो हर गुनाहगार को मिलती है। जब गुस्सा ठंडा हो जाए और आप सब अपनी गलती मान लें, हम आकर ताला खोल देंगे।